नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। जी हां, गंज वासोदा जिले के ग्यारसपुर क्षेत्र में 10वीं सदी का अद्भुत माला देवी का मंदिर स्थापित है। यह मंदिर हिंदू और जैन धर्म की आस्थाओं का प्रतीक है, लेकिन अब यह माला देवी मंदिर खंडर का रूप लेता जा रहा है। लेकिन अब तक प्रशासन और ना ही कोई जनप्रतिनिधि इस ओर कोई ध्यान दे रहा है। पुरातत्व की दृष्टि से ग्यारसपुर में कई स्थान पुरातत्व विभाग में आते हैं, लेकिन ग्यारसपुर के इतिहास और विरासतों का विकास पुरातत्व विभाग भी सही ढंग से नहीं कर पाया है। वहीं कुछ स्थान भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन है, इसलिए राज्य सरकार या राज्य पुरातत्व विभाग इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और केंद्रीय पुरातत्व विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में माला देवी मंदिर का विकास राज्य और केंद्र पुरातत्व विभाग के बीच अटक गया है। अत्यंत प्राचीन मान्यताओं के आधार पर 10वीं सदी में निर्मित माला देवी का मंदिर ग्यारसपुर के उत्तरी भाग में पहाड़ी पर निर्मित है। मंदिर पर जाने का मार्ग अत्यंत ही जर्जर हालत में है। मंदिर पर पहुंचने पर ना तो बिजली की कोई व्यवस्था है और ना ही पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था है। इसके कारण मंदिर देखने आने वाले दर्शनार्थियों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ता है। यहां तक कि इस स्थान पर पुरातत्व विभाग द्वारा चौकीदार के रुकने के लिए गार्ड रूम की भी कोई व्यवस्था नहीं है। पुरातत्व विभाग के अधीन माला देवी मंदिर के अतिरिक्त हिंडोला, तोरण, बज्रमठ, अठखम्मा, भेगीनाथ के साथ कई स्थान निर्मित हैं। हिंडोला तोरण में भगवान विष्णु के 12 अवतारों का कलाकृति आकृति के रूप में निर्मित है। बज्रमठ में भी भगवान विष्णु की आकृतियों का अंकन है। भेगीनाथ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा और स्तूप स्थापित है। पुरातत्व विभाग के अधिकारी संदीप कुमार महतो से जब इंडिया खबर लाइव संवाददाता एलन चौबे ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि बिजली के लिए सोलर लाइट की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अगर लाइट खराब हो गई तो लाइटों को फिर से ठीक करवाया जाएगा। मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए एस्टीमेट बना दिया गया है, पास हो जाने पर शीघ्र ही काम शुरू हो जाएगा। वहीं स्थानीय विधायक लीना जैन ने कहा कि ग्यारसपुर के क्षेत्र में पुरातत्व विभाग के लिए बहुत काम है। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से मिलकर एक पत्र के माध्यम से निवेदन भी किया है। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। विभाग द्वारा जो भी क्या कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पुरातत्व विभाग द्वारा इनकी 40-40 हज़ार रुपये महीने तनख्वाहें चल रही हैं और दरारें चल रही हैं, जिससे कि लगातार मंदिरों की क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं। और जो सरकारी कर्मचारी रखे हुए हैं वो पूरी लापरवाही चल रही है, वो बराबर उनके पैसे खाते जा रहे हैं और किसी मेंटेनेंस के नाम पे भी निकालते हैं, उनमें कोई मेंटेनेंस नहीं किया जाता है, जिससे कि पूरे जो मंदिर हैं मंदिर का अपनी एक क्षतिग्रस्त होते हुए चले जा रहे हैं। आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी प्रहलाद पटेल जी से मेरी ग्यारसपुर संबंधित चर्चा हो चुकी है और आप लोगों को ये बताते हुए मुझे वाकई हर्ष है कि हमारे मंत्री जी भी पर्यटन विभाग से इस बारे में चर्चा कर चुके हैं और ग्यारसपुर को वो पर्यटन स्थल में डेवलप करने के लिए प्रयासरत हैं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई खबर है जो समाज और शहर से ताल्लुक रखती है तो आप वह खबर हम तक पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से या फिर ईमेल के द्वारा। हम उस खबर को प्रमुखता से दिखाएंगे और समाज और प्रशासन के बीच में एक कड़ी का हिस्सा बनेंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।